जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 का ओरिजिनल स्टेटस रिलीज हो गया है। कुछ बच्चों का रिलीज हो गया है, कुछ बच्चों का रिलीज हो रहा है, धीरे धीरे वो आपका भी अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये समस्या आ रही है कि आप अपने स्टेटस को देख करके कैसे जानेंगे कि आपका स्टेटस वेरीफाइड हो चुका है या फिर वेरीफाइड होने वाला है या फिर रिजेक्ट होने वाला है, ठीक है। ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इससे पहले तो मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें और टेलीग्राम चैनल को भी जाकर के ज्वाइन कर लें। कभी मैं बिजी रहता हूं तो टेलीग्राम पे ही आपको मैसेज कर देता हूं, जो भी जानकारी वगैरह जो भी अपडेट आती है मैं आपको टेलीग्राम पे ही इन्फॉर्म कर देता हूं। आपको मालूम है कि करेक्शन का जो लिंक है वो भी आपका जनरेट हो गया है, वो भी ओपन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको करेक्शन करके बता दूंगा कैसे कैसे आपको करेक्शन वगैरह करना है, क्या क्या ऑप्शन आ रहा है, कैसे कैसे आपको करेक्शन वगैरह करना है। बहुत ज्यादा आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है। अब देखिए यहाँ पे जो इनका स्टेटस दिखा रहा होगा, फॉरवर्ड दिखा रहा होगा, 11/1/2024 के डेट में इनका फॉरवर्ड हुआ है। और यहाँ पे एक समस्या आ रही होगी जिसे काफी सारे स्टूडेंट में चौथा और पांचवा ऑप्शन दिख रहा होगा, रेस्पॉन्स पेंडिंग बाई PFMS, और यहाँ पे पांचवा ऑप्शन दिख रहा होगा पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। तो क्या अगर अभी आपका स्टेटस पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखा रहा है तो आपका जो स्कॉलरशिप का स्टेटस है वो आगे चल के वेरीफाई होगा या फिर रिजेक्ट होगा? तो इनका जो स्टेटस है यहाँ पे करंट स्टेटस में दिखा रहा है कि अटेंडेंस less than 75%, तो इनका जो स्टेटस है यानी कि फॉर्म है वो आगे चल के रिजेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे जो पांचवें ऑप्शन में दिखा रहा है पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, ठीक है, ये आपका करंट स्टेटस में भी यही दिखाना चाहिए पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। इसका मतलब कि आपका फॉर्म पूरी तरीके से सही है। अब जब DWO लेवल यानी कि डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर होते हैं वो जब फिर से आपका वेरीफाई करेंगे, उसका वेरिफिकेशन का कार्य चल रहा है वर्तमान में, तो वो धीरे धीरे जब वेरीफाई करेंगे, पूरी जांच करेंगे, उसके बाद से वो यहां पे मेंशन कर देंगे कि वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, यानी कि DWO ऑफिसर द्वारा भी आपका जो फॉर्म करिए कि फुल्ली तरीके से करिए कि फाइनल वेरीफाइड हो गया है और उसके बाद से आपका पैसा चलाएगा। लेकिन ऐसे बच्चे जिनमें करेंट स्टेटस में अटेंडेंस की समस्या या फिर मार्क्स मिसमैच की समस्या या फिर अदर समस्या आ रही है तो उनके लिए कहिए कि दिक्कत की बात है और उनका स्टेटस आगे चल के रिजेक्ट हो जाएगा और उनका पैसा नहीं जाएगा, ठीक है। करेक्शन के बारे में मैंने आपको बताया है कि करेक्शन कब से होगा, तो करेक्शन की डेट आपको मालूम है कि प्री मेट्रिक के बच्चों की 5 तारीख से ही स्टार्ट है, यानी कि कल से ही स्टार्ट है, ठीक है। आज आपका दूसरा दिन हो गया, लिंक भी वहाँ पर एक्टिव हो गया, तो मैं आपको एक लाइव वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। जो भी स्टूडेंट्स प्री मेट्रिक के स्टूडेंट से कहिए कि वो अपना कहिए कि डाटा सेंड करेंगे, तो उस हिसाब से मैं आपको लाइव वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, इसलिए कि मेरे पास कोई प्री मैट्रिक का डाटा नहीं है। पोस्ट मैट्रिक के तो बहुत सारे बच्चों का डाटा है लेकिन प्री मैट्रिक का कोई डाटा नहीं है। तो जो भी स्टूडेंट सेंड करेंगे उनका मैं लाइव करेक्शन करके आप सभी बच्चों को बता भी दूंगा, सभी बच्चों की इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। और यहाँ पे इनका दिख रहा होगा अटेंडेंस less than 75%, यहाँ आप देखिए 70% अटेंडेंस में 70% इनके कॉलेज द्वारा भरा गया है। और आपको मालूम है कि विभाग के द्वारा कई प्रकार की और कई बार नोटिस जारी हुई है कि अगर आपका अटेंडेंस 75% से कम रहता है तो इस केस में जो आपका फॉर्म है डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको यूपी स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिल पाएगा। अब इसका सलूशन क्या है भाई, जाहिर सी बात है, इसलिए कि आपको मालूम है कि जो अटेंडेंस वाली चीज़ है ये ऐसी चीज़ है कि इसमें आप करेक्शन वगैरह भी, इसमें भाई क्या आप करेक्शन कराएंगे? करेक्शन में कोई पोर्टल तो आपका ये नहीं कि हाँ आपका कोई गत वर्ष का प्राप्तांक और पूर्णांक गलत है या फिर अन्य कोई चीज़ें गलत है, तो इसके लिए आप एक बार कॉलेज में बात करेंगे कि क्यों आपने मेरा 75, जाहिर सी बात है अगर आप कॉलेज जाते होंगे तब तो अच्छी बात है, चलिए कि आपका 75 से ऊपर रहना चाहिए, लेकिन अगर आप कॉलेज नहीं जाते हैं तो कॉलेज वाले आपसे यही कहेंगे कि आप कॉलेज आते ही नहीं है, तो हम किस तरीके से आपका 75 करें 80 करें, पता चले कि जांच वगैरह बैठ जाए, रजिस्टर वगैरह फिर कहिए कि डाटा वगैरह चेक होने लगे, तो कॉलेज वाले पे भी दिक्कत आ जाती है। इसलिए कि नोटिस में सारी चीज़ें सही तरीके मतलब सीधे मेंशन थी कि अगर आप गलत तरीके से किसी बच्चे का अटेंडेंस या फिर डाटा वगैरह फॉरवर्ड करते हैं तो आप इसके स्वयं जो कॉलेज होगा वो स्वयं जिम्मेदार होगा, अगर पकड़ा जाता है तो हो सकता है कि उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई भी की जाए। इसी के लिए जो कॉलेज वाले होते हैं वो रिस्क वगैरह नहीं लेते हैं और जिन बच्चों का जैसे जैसे डाटा था अटेंडेंस था वैसे वैसे भर के भेज दिए हैं, तो इसमें तो आप करेक्शन वगैरह भी नहीं करा सकते। देखिए आप जो भी जानकारी मिलती है, कोई सोल्यूशन अगर आता है तो मैं आपको तत्काल प्रभाव से इन्फॉर्म कर दूंगा। जो स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। अगर आपके में अटेंडेंस की समस्या आ रही है तो जाहिर सी बात है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपको यूपी स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलेगा। इसका सोल्यूशन कोई अगर आता है तो मैं आपको तत्काल प्रभाव से इन्फॉर्म कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका स्टेटस कैसे दिखा रहा है कमेंट करके जरूर बताएं या फिर व्हाट्सएप पर जाकर के मैसेज जरूर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।